नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। नवजोत सिंह सिद्धू की रैली में महिला ने फेंकी चप्पल, जिसके बाद लगे मोदी हर हर मोदी के नारे। महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी हां, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपनी रैलियों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक पे अटैक करते जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा के रोहतक में उनकी एक रैली में ये दाव उल्टा पड़ गया। सिद्धू के भाषण के दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और सिद्धू यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रचार करने के लिए आए थे। इसी दौरान एक महिला ने चप्पल निकाली और सिद्धू पर फेंक दी। हालांकि ये चप्पल मंच के पास ही गिरा। सिद्धू और चप्पल के बीच में दूरी काफ़ी थी। इसके तुरंत बाद पुलिस ने महिला को अपनी हिरासत में ले लिया और पूछताछ करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि महिला का नाम जितेंद्र कौर है। पुलिस ने इस घटना के पीछे महिला की नाराजगी की वजह बताई है। पहले वे सोनिया और मनमोहन की बुराई करते थे। महिला ने कहा कि अब वो नरेंद्र मोदी की बुराई करने लगे हैं। खैर, चुनावी रणक्षेत्र हैं और दाव और पड़ताव चलते रहते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग नाराज भी। नवजोत सिंह सिद्धू की रैली में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे भी लगे, लेकिन सिद्धू अपनी बातों से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने भाषण बीच में नहीं रोका और लगातार वे मोदी पर कटाक्ष करते रहे। जिस मजाकिया लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार सिद्धू हमला कर रहे थे, जिससे सिद्धू की हर एक बात पर लोग तालियां भी खूब बजा रहे थे। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। बरेली चले गए, मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि झुमका यहीं तो गिरा था। ठोको ठोको ताली ठोको जरा बहनों भाई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 200 से ज्यादा संकल्प किए तुमने, 242 संकल्प, 242 वादे। गंगा साफ कर दूंगा, 15-15 लाख ब्लैक मनी ला के तुम्हारी जेब में डाल दूंगा, 2 करोड़ हर साल नौजवानों को नौकरी दे दूंगा, किसान की इनकम दुगनी कर दूंगा, बुलेट ट्रेन फूर करके चला दूंगा। नरेंद्र मोदी, 242 में से एक पूरा नहीं हुआ और सिद्धू चौक में खड़ा होकर गाना गा रहा है, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे ने तेरे मार दिया बंदा ये सीधा साधा, वादा तेरा वादा।